योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपनी राजनीति से ज्यादा अपने मंदिर को लेकर चर्चा में। दरअसल उनका एक मंदिर बनाया गया है, वो भी अयोध्या में। मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य न सिर्फ खुद को योगी भक्त बताते हैं, बल्कि रोज सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। खास बात तो यह है कि मंदिर में योगी आदित्यनाथ की जो मूर्ति लगी है, उसमें वह भगवान राम की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अब योगी के भक्त प्रभाकर भले उन्हें भगवान मान रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव इस मौके पर तंज कसने से नहीं चुके। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ये तो उनसे भी दो कदम आगे निकले, अब सवाल ये है कि पहले कौन। अखिलेश यादव इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लेते हैं, पर धीरे से तंज भी कस जाते हैं। वहीं अगर योगी के मंदिर बनाने वाले प्रभाकर की बात करें, तो वो योगी आदित्यनाथ को कलयुग का राम बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में कुंडा राज भ्रष्टाचार फैला था, पूज्य महाराज जी की सरकार बनी, जिस तरह से पूज्य महाराज जी कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है कि जिस तरह से प्रभु राम जो है कार्य कर रहे थे, उस तरह से हमारे लिए जो है, हम महाराज जी को कलयुग का राम भी मानते हैं। देखिए, हमने एक संकल्प लिया था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भी भव्य मंदिर निर्माण करवाएगा, हम उसका मंदिर बनाएंगे। हमने अपना संकल्प पूरा किया और पूज्य महाराज जी के नाम से श्री योगी मंदिर का निर्माण किया और सुबह शाम हम डेली यहाँ पूज्य महाराज जी की आरती करते हैं। योगी जी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? 2015 से सोशल मीडिया पे हम महाराज जी के कार्यों को लेकर प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहे हैं और गोरखपुर जाकर हमने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त भी किया है। भाजपा के प्रचारक हैं कि योगी के भक्त हैं? हम महाराज जी के भक्त हैं, महाराज जी के प्रचारक हैं। कुल मिलाकर मंदिर को लेकर इस वक्त योगी आदित्यनाथ की खूब चर्चा हो रही है। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।